आज हम बनाएंगे मैगी भेल। गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। तेल को गरम होने दें, इतनी देर मैगी को हम इस तरह से चूर लें, पूरी मैगी को चूर लें। मैगी को चूर लिया है, तेल गरम हो चुका है, मैगी का मसाला निकाल लिए हैं और इसे भुने। इसे लाल लाल भून लें। धीमी आंच में इसे भुने। बीच बीच में मीडियम फ्लेम कर ले। इस तरह से मैगी सिक चुकी है। मैगी को इस तरह से साइड कर दें। इसमें 2 चम्मच पानी डालें और इसे ढक दें। इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढका हुआ छोड़ दें। इधर हमने एक उबला हुआ आलू, एक प्याज, एक टमाटर इस तरह से काट लिए हैं बारीक बारीक। इसमें थोड़ा हरा धनिया डालें, आधा नींबू का रस, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच हरी मिर्च क्रश की हुई, 1 टेबलस्पून मीठी इमली की चटनी, ये हमने घर पे ही बनाई है, थोड़ा सा भुजिया, भुजिया आप अपने हिसाब से डाल लें, करीब 1 टेबलस्पून भुजिया डाला है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप मिर्च चाहें तो और भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, हरी मिर्च आप जितनी खाना चाहें। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें डालेंगे वो मैगी, बनी हुई मैगी डाल दें। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे फटाफट सर्व करें। मैगी बिल्कुल क्रंची है। खट्टी मीठी मैगी भेल रेडी है, इसे तुरंत सर्व करें। मैगी भेल रेडी है, इसे तुरंत सर्व करें। ये खाने में बहुत ही स्वाद लगेगी, कुछ अलग भी है।